हेलो एवरीवन, अंकल आंटी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसन के लड्डू बनाएंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने 2 कप बेसन लिया है, 1.5 कप शक्कर का बूरा लिया है, 1/2 कप घी लिया है, 4-5 पिस्ते लिए हैं जिन्हें हमने बारीक काट लिए हैं, 2 चम्मच खरबूजे के बीज लिए हैं, 4 इलायची ली है, 1 जायफल लिया है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, उसमें 1/2 कप घी डाल दिया है। घी हमारा हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें हम बेसन डाल देते हैं। बेसन को मीडियम आंच पर भूनना है। बेसन को हमें घी छोड़ने तक और हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए हमारा बेसन घी छोड़ने लगा है। बेसन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम पानी के हल्के छींटे मारेंगे ताकि इसमें दाने बने। अब इसमें पानी थोड़ा सा और छींटे, ये देखिए इसमें दाने बनने लगे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से दाने आ गए हैं। अब हमारा बेसन भून गया है, अब इसे हम थाली में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। बेसन ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये खरबूजे के बीज को भून लेंगे। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बेसन ठंडा हो गया है, अब इसमें हम खरबूजे के बीज जो भुने थे वो डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे, पिस्ता डाल देंगे और ये जो जायफल लिया था इसको हम यूं इसके डाल देंगे। बस अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें शक्कर का बूरा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम थोड़ी सी शक्कर और डालेंगे। बस आपको जितना मीठा लगे उतना आप शक्कर मिला लें। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। ये इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाते जाएंगे। थोड़ा सा लेंगे हाथों में और इस तरह से यूं बांधते जाएंगे। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, थोड़े बड़े थोड़े छोटे।
जैसे आपको पसंद हो। इसी तरह से आप सारे लड्डू बना लेंगे। लीजिए, सभी बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। अब हम इस पे काजू की गार्निशिंग करेंगे। बेसन के लड्डू बनकर तैयार है, आप इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।